नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी का पेपर लेकर आए हैं 11 सितंबर 2022 का। इसमें रीजनिंग, जीके, मैथ और साइंस सब कुछ रहने वाला है। 90 मिनट का आप लोग का इस समय पेपर चल रहा है और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की। तो आज हम लोग पेपर का एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को मिलकर आप लोग शेयर कीजिएगा और अपने क्लास को मिलकर आप लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। जय बीएसए क्लास। करते हैं दोस्तों आज के क्लास की शानदार शुरुआत। तो पहला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर में 15 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? अब आप लोग देख सकते हो क्या दे रखा है। 15 साल में अगर दोगुनी होती है, 15 साल में अगर दोगुनी होती है तो कितने साल में 8 गुनी हो जाएगी? अब देखिए दोस्तों, 15 साल में दोगुनी होती है, 8 गुनी का मतलब 2 की पावर 3 है। तो जो पावर होती है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं वर्षों से, तो 15 * 3 = 45 वर्षों में, 45 वर्षों में धनराशि आपकी 8 गुना हो जाएगी। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण एरेडा के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो एरेडा के अध्यक्ष कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र खूंटिया। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सुभाष चंद्र खूंटिया, बिल्कुल राइट है, परफेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा किसके निधन पर हमारे जीवन से रोशनी चली गई? किसके निधन पर हमारे जीवन से रोशनी चली गई? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के निधन पर हमारे जीवन से रोशनी चली गई। तो जिनका भी आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दे रखा है? a² - b² तो इसको लिखेंगे a + b, 54.542 प्लस का 45.458। एक बार लिखा 54.542, माइनस का लिखा 45.458, नीचे आपका दे रखा है 61.738, माइनस का 52.654। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या होगा, 54 45 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 54 45 55 45, 5 5 10 5 5 10, 100 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 9.084, नीचे आपका बचेगा 9.084, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका केवल यहां पर 100 बचेगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 100। क्लियर है? तो जिनका भी आंसर 100 आ रहा है, बिल्कुल राइट है, परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 100। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। अमीर अल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? दोस्तों, यह उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जमाल उद्दीन याकूत को। सही जवाब क्या हो जाएगा? जमाल उद्दीन याकूत को ये उपाधि प्रदान की गई थी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल राइट है, सही जवाब क्या होगा? बी होगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों। 2019 में पुणे निवासी किस वैज्ञानिक ने एल्सेवियर फाउंडेशन ISC 3 ग्रीन एंड सस्टेनेबल केमिस्ट्री चैलेंज नामक जर्मन रसायन विज्ञान पुरस्कार के लिए आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 25,000 यूरो की राशि का द्वितीय पुरस्कार जीता? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा अंकुर पटवर्धन जी ने। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा अंकुर पटवर्धन। तो जिनका भी आंसर आ रहा है अंकुर पटवर्धन, बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों। 2018 में रेल एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? यह ऐप यात्रियों को भारतीय रेलवे के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराने और इन शिकायतों के निवारण की स्थिति पर वास्तविकता समय अनुसार जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। चलिए बताइए, तो ये कौन सा ऐप है आपका? ये ऐप का नाम बताइए। 2018 में रेल एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इस मोबाइल का ऐप है रेल मदद। क्या नाम है दोस्तों? इस ऐप का नाम है रेल मदद। तो जिनका भी आंसर आ रहा है रेल मदद, बिल्कुल राइट है। सही जवाब हो जाएगा रेल मदद। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों। 10.8, 28.8, 36 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? इसको देखिए, 10.8 को लिख सकते हैं दोस्तों 3.6 × 3, 3×6 = 18, 3×3 = 9 = 10, 108 आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हम लोग 28.8 को लिख सकते हैं, 3.6 × 8 लिख सकते हैं, 3.6 × 8 लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको 36 दे रखा है दोस्तों, तो 36 को हम लोग 3.6 × 10 लिख सकते हैं। तो इसका SCF कितना हो जाएगा? इसका SCF हो जाएगा 3.6। इसका SCF कितना हो जाएगा? इसका SCF हो जाएगा 3.6। ठीक है, तो जिनका भी आंसर 3.6 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। दोस्तों सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करते रहें, अपनी क्लास को मिलकर शेयर करते रहें और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। एक टैंक के आंतरिक भाग की लंबाई 25 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर है, गहराई 6 मीटर है, 75 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और तली के अंदर की ओर प्लास्टर कराने की लागत कितनी होगी, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या निकालेंगे? चारों दीवारों का क्षेत्रफल और चारों दीवारों और तली का क्षेत्रफल। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है चारों दीवारों, चारों दीवारों तथा तली का क्षेत्रफल, ये निकालेंगे। चारों दीवारों और तली का क्षेत्रफल आ जाएगा 2LH + BH, ये आ जाएगा। प्लस का दे रखा है LB। तो दोस्तों दो लंबाई आपकी 25 है, ऊंचाई आपकी 6 है, ठीक है ना, गहराई आपकी 6 है, चौड़ाई आपकी 12 है, गहराई आपकी 6 है। प्लस का 25 × 12, तो कितना हो जाएगा? 25×6=1200, 12×6=72, 72×150 तो 2×222 हो गया। 25×12 आपका ये 300 हो गया, तो ये हो जाएगा 444 + 300, तो कितना हो जाएगा? 744 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से चारों दीवारों और तली का क्षेत्रफल कितना आ गया? इस तरीके से चारों दीवारों और तली का क्षेत्रफल आ गया है भाई
744। तो यहां पर अब हमें प्लास्टर की कुल लागत निकालनी है, 75 पैसे लग रहे हैं तो चलिए लगाते हैं। तो यहां पर लिखते हैं 744 इंटू 75 पैसे लगते हैं बटे 100, 25 चौक 100, 25 3 75, 4 से काटा, 4 एकम 4 3 7, 4 8 32, 4 6 24, 6 3 18, 8 3 24 और 1 25, 3 एकम 3 2 5। तो सही जवाब कितना हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 558 रुपए। तो कितना रुपया लगेगा दोस्तों, तो यहां पर आपका रुपया लगेगा 558 रुपए। तो जिनका भी आंसर 558 आ रहा है बिल्कुल राइट है, सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 558 रुपए। ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला देखिए क्या नाम है गिरीश, चारों दीवारों का क्षेत्रफल और तली का एरिया, तो तली में लंबाई चौड़ाई हो जाएगी और चारों दीवारों के क्षेत्रफल में क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मैंने ऊंचाई से दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए, ऑर्गन का उपयोग सामान्यतः ताप दीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि ऑर्गन कैसी गैस है। दोस्तों ऑर्गन बताइए, ऑर्गन कैसी गैस है, सबसे हल्की, अभिक्रियाशील, प्रचुर या फिर आपका है अक्रिय। तो दोस्तों आप लोग बताइए आर्गन कैसी गैस है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आर्गन हमारी अक्रिय गैस है, ये नोबल गैस है, अक्रिय गैसें नोबल में आती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा नोबल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 2x + ky = 11 है, 5x - 7y = 5 का कोई हल नहीं है। तो दोस्तों जब कोई हल ना हो तो a1 / a2 = b1 / b2 के, लेकिन c1 और c2 के नॉट इक्वल टू होता है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है जिस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं होता है तो a1 / a2 = b1 / b2 नॉट इक्वल टू c1 / c2। तो देखिए a1 कितना है, 2 है, a2 कितना है, 5 है, बराबर b1 कितना है, k है, b2 कितना है, -7 है। सॉल्व कर लो, 7 × 14/5, तो k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर -14/5 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा -14/5। तो जिनका भी आंसर -14/5 आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14/5। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक सिक्किम के राज्यपाल कौन है। दोस्तों सभी लोग यहां पर बताएंगे, जैसा कि आपके सामने आपको क्या दिया गया है इसको आप लोग देख सकते हो, 2020 तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक सिक्किम के राज्यपाल कौन है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गंगा प्रसाद, सही जवाब क्या हो जाएगा, गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, √40 का मान आपके सामने दे रखा है, तो √8/5 का मान कितना होगा, तो √8/√5, √5 से गुणा किया, √5 से डिवाइड किया, तो ये 8 × 40 आ गया, √40 आ गया, नीचे आपका 5 आ गया। √40 का मान कितना है, √40 का मान है 6.325। कितना है दोस्तों, 6.325/5 दे रखा है, तो 5 से काटा, 5 एकम 5, 6 बचा, 5 × 10, 5 6 30, 5 25, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.265। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1.265। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सी बिल्कुल राइट है, सही जवाब होगा 1.265। ठीक है,
क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आपको दे रखा है 4, 10, 22, 40, 64। अगला स्टेप क्या होगा यह आपको बताना है। तो 4, 6, 10, 10, 12, 22, 18, 40, 40, 24, 64। तो अब क्या आएगा, 6 एकम 6, 6 दुनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24। तो 6 पंजे 30, तो 64 में 30 जोड़ेंगे तो ये आपका 94 आ जाएगा। तो जिनका भी आंसर 94 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 94। तो अगर आपका आंसर 94 आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 94। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 17 और 520 के बीच आने वाले उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6 तीन 18, 18 6 चौक 24, ऐसे ही चलता रहेगा और ये सीरीज जाएगी दोस्तों 516 तक। तो आपको 18 से लेकर 516 तक का योग निकालना है। तो योग निकालने की ट्रिक क्या है, योग निकालने की ट्रिक है L+A/2। ध्यान दीजिएगा, L+A/2, L-A/D+1। जहां पर L का मतलब क्या है, L का मतलब है लास्ट नंबर, A का मतलब है फर्स्ट नंबर और D का मतलब है दो पदों के बीच का डिफरेंस। तो लास्ट नंबर है 516, फर्स्ट नंबर है 18, बटे 2 लिख दिया, ब्रैकेट में 516 लिखा, माइनस का 18 लिखा, बटे डिफरेंस कितना है, 6 डिफरेंस है, प्लस का 1 लिख लिया। अब आपको केवल इसको सॉल्व करना और बताना है कि आपका यहां से सही जवाब क्या हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो 516 और 18 534 हो जाएगा। 534 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 267 हो जाएगा। 516 में 18 जाएगा, 498 बचेगा। 498 को 6 से डिवाइड करेंगे 83 आएगा। 83 में 1 जोड़ देंगे तो 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग यहां पर 267 into 84 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से आपका सही जवाब आएगा 22,428। तो योग कितना आ जाएगा, योग आपका आ जाएगा 22,428। तो जिनका भी आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। तो अगर आपका आंसर डी आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। देखिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सभी लोग क्लास को लाइक करते रहिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर कर दीजिए और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर क्रमशः 15, 20, 30 और 35 शेष बचे। तो 20, 25, 35 और 40, इसका निकाल लो दोस्तों एलसीएम। क्या निकाल लो, इसका आप लोग एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 1400। फिर आपको प्रत्येक दशा में 15, 20, 30 और 35 शेष बच रहा है। तो यहां पर प्रत्येक दशा में डिफरेंस कितना आ रहा है, 5, 5, 5 आ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 1400 में से 5 माइनस कर देंगे, जो आपका एलसीएम है एलसीएम में से समान शेष हटा देंगे। तो 1400 में से 5 माइनस करेंगे
तो ये आ जाएगा 1395। कितना आ जाएगा? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1395। तो जिनका भी क्लास में आंसर 1395 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। दोस्तों सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करते रहें, क्लास को शेयर करते रहें और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहें। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पिक्सल क्या है? पिक्सल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा है। द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित एक चित्र है। यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पिक्सल क्या है? तो पिक्सल जो है दोस्तों आपका किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा है। तो जिनका भी आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है दोस्तों। किसने नेरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी? चलिए आप लोग बताइए, किसने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी? तो यह था ग्यासुद्दीन बलबन। तो बलबन ने ही नौरोज त्योहार की शुरुआत की थी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा बलबन। ठीक है, तो जिनका भी आंसर बलबन आ रहा है, बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बलबन। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, 16% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 40.60 रुपए है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब आपको पता है, क्या पता है? 116%। क्या पता है? 116% की वैल्यू 40.60 रुपए है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 ऊपर आएगा, 116 नीचे जाएगा, 40.60 रुपए आ जाएगा। पॉइंट हटाया, नीचे 100 बढ़ा लिया, 100 से 100 कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 4060/116। तो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका जाएगा 3 बार में, फिर जाएगा 5 बार में, तो सही जवाब हो जाएगा 35 रुपए। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है 35 रुपए, बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? 35 रुपए। दोस्तों मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सभी लोग अपनी क्लास को लाइक करें। अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करते चलें, क्लास को शेयर करते चलें और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट करते चलें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है दोस्तों। उस विकल्प का चयन करें, आपको क्या बताना है साथियों? उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है, जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। जैसे हवा, बांसुरी जो है फूंक मार के बजाई जाती है, बिल्कुल सुरीली आवाज निकलती है, वैसे ही तार किसमें होते हैं? तबले में तार होते हैं, ड्रम में तार होते हैं, पियानो में तार होते हैं, गिटार में दोस्तों आप लोग का जो गिटार होता है उसमें आप लोगों के तार होते हैं, जिसकी सहायता से म्यूजिक जो है आपका तैयार होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गिटार। क्या हो जाएगा? गिटार। चलिए अगला क्वेश्चन। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों आप सबको बताना है साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। देखिए, साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। इसका बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। तो जिनका भी आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए।
1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों चलिए आप लोग बताइए, आप सबको बताना है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके रास बिहारी घोष। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा रास बिहारी घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। टेन थीटा बराबर अगर आपको यह दे रखा है तो 2√3 कॉट थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा? अब देखिए यहां लिखा 2√3 कॉट थीटा, 10 का उल्टा हो जाएगा तो 2 लिखेंगे, नीचे आ जाएगा √3 + 1, ये प्लस 1 दे रखा है तो एलसीएम में आ जाएगा √3 + 1, ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो ये आएगा 4√3 + ये आएगा √3 + 1, तो 4 और 1 = 5 हो जाएगा, 4 और 1 = √3, 5√3 + 1 बटे √3 + 1, तो √3 - 1 = 2, फिर ऊपर आपका प्लस है नीचे भी आपका प्लस है तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 5√3 + 1 बटे √3 + 1, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ए वाला। कितना हो जाएगा? तो आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों आपको क्या बताना है? आपको बताना है रीसेट रेडार इमेजिंग सैटेलाइट का प्रक्षेपण इनमें से किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों चलिए बताइए, रीसेट यानी कि रेडार इमेजिंग सैटेलाइट का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रक्षेपण किया गया था PSLV C-48 के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी होगा। तो जिनका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट है। दोस्तों मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज अपनी क्लास को 200+ के पार ले जाएं, तो सभी लोग मिलकर झमाझम शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करते रहें। तो सभी लोग अपनी क्लास को झमाझम लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल आज की क्लास है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। आपको दे रखा है कुछ तस्वीरें रंगीन हैं, कुछ तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट हैं, कुछ तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट हैं, कोई रंगीन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कोई रंगीन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, तो क्या होगा? कुछ रंगीन ब्लैक एंड व्हाइट हैं, रंगीन ब्लैक एंड व्हाइट कटपिट रहा नहीं है, बनेगा नहीं। कुछ ब्लैक एंड व्हाइट रंगीन है, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर ऊपर कुछ कुछ है, ये भी नहीं बनेगा। कोई ब्लैक एंड व्हाइट रंगीन नहीं है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। क्यों सही है? क्योंकि कोई रंगीन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है तो ई को हम लोग ई में चेंज कर सकते हैं, ई को हम लोग ई में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ किडनैप कर लो। तो क्या होगा? कोई ब्लैक एंड व्हाइट रंगीन नहीं है, ये वाला राइट होगा। सही जवाब क्या होगा? ओनली थ्रेड। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ओनली थ्रेड। तो जिनका भी आंसर ओनली थ्रेड आ रहा है बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर ओनली तीसरा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो दोस्तों यहां पर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? चलिए बताइए, सभी लोग बताएंगे कि यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कि आप लोगों में से कौन बताएगा। दुलस्ती पावर स्टेशन ये कहां पर है? तो ये आपका है किश्तवाड़े में। तो सही जवाब क्या होगा? दुलस्ती पावर स्टेशन आपका चिनाब नदी की जल विद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए 390 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ जल संचयन वाली रन ऑफ रिवर योजना है। यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में है, यह आपका
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किश्तवाड़। तो जिनका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसकी सीमा विश्व की पांचवी सबसे बड़ी सीमा है। तो नंबर वन पर विश्व की पांचवी सबसे बड़ी सीमा है तो भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश की सीमा पांचवी सबसे बड़ी सीमा है। तो जिनका भी आंसर भारत और बांग्लादेश आ रहा है, ये बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण में किससे अत्यधिक प्रदूषित होता है। देखिए अम्लीय वर्षा जब होती है जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दोनों जब मिल जाते हैं तब आपकी अम्लीय वर्षा होती है। तो यहां से आपका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिनका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, दिए गए चार शब्दों में से तीन किसी तरीके से संगत हैं, एक आपका असंगत है, तो असंगत का चयन करें। अब आपको क्या बताना है, असंगत बताना है, कैसे बताओगे। देखिए बरसात, बिजली कड़कना, बादलों का गरजना ये सब मानसून में होने वाली क्रिया है, ये सब क्या है, मानसून में होने वाली क्रिया है। जबकि मानसून क्या है, मानसून एक प्रकार की विशेष ऋतु है, मानसून क्या है, मानसून एक ऋतु है। तो सही जवाब सबसे अलग क्या हो जाएगा, सबसे अलग आपका हो जाएगा मानसून। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। सर हम फिर से बोलकर आ गए हैं किडनैप करके लिए, अच्छी बात है। तो पाक जल डमरू मध्य किन दो स्थल आकृतियों को एक दूसरे से पृथक करता है। तो प्यारे मित्रों आपको क्या बताना है, आपको बताना है पाक जल डमरू मध्य किन दो स्थल आकृतियों को एक दूसरे से अलग करता है। तो ये आपका भारत और श्रीलंका को अलग करता है, सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो जिनका भी आंसर भारत और श्रीलंका आ रहा है बिल्कुल राइट है। चलिए पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व और मिट्टी से प्राप्त होते हैं। दोस्तों अब आप लोग बताइए पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं, पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। तो जिनका भी आंसर नाइट्रोजन आ रहा बिल्कुल राइट है, नाइट्रोजन वाला पोषक तत्व पौधों को मिट्टी से ही मिल जाता है। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। 2024, 2025, 2022 या 2027। तो आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 2022। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है 2022 बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यूनेस्को के मुताबिक एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं होती हैं, एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाओं में टोटल 34 गुफाएं हैं जिसमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध, 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। तो कितनी है दोस्तों,
यूनेस्को के मुताबिक एलोरा की गुफाओं की संख्या कितनी है? 34। सही जवाब क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य जैव विविधता संस्थान IFB ये स्थित है कहां पर? केरल में, जम्मू में, राजस्थान में, हैदराबाद में। IFB, तो IFB ये आपका हैदराबाद में स्थित है। IFB कहां पर है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। तो जिनका भी आंसर हैदराबाद आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। इनमें से कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च की गई सौभाग्य योजना का नियंत्रण करता है? इनमें से कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च की गई सौभाग्य योजना का नियंत्रण करता है? सौभाग्य योजना का नियंत्रण करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मंत्रालय। तो जिनका भी क्लास में आंसर विद्युत मंत्रालय आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या होगा? सॉरी दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा विद्युत मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक संख्या 12401 को किसी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 76 और शेष के रूप में 13 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको क्या पढ़ाया है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, प्लस का होता है शेषफल। फॉर्मूला पुट कर दीजिए, भाज्य कितना है? भाज्य है 12401, भाजक x है, भागफल 76 है, शेषफल 13 है। 13 माइनस कर देंगे तो 76x बराबर 12401 में 13 जाएगा तो 12388 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12388 बटे 76 लगाएंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा 163। तो भैया भाजक कितना है? भाजक ज्ञात करना था तो भाजक आपका 163 होगा। तो जिन दोस्तों का भी आंसर 163 आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा 163। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? एक बार मैं यहां पर बच्चों को बता दूं कि क्लास चल रही है, सभी लोग जल्दी से आ जाइए। एक बार मैं सभी लोगों को दोस्तों बता कर आता हूं, तब तक मैं आप लोग को अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इस सवाल को लगाइए। नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, आज हम आपको पेपर एनालिसिस करवा रहे हैं, तो जल्दी से क्लास में आ जाइए, क्लास आपकी चल रही है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हो ये आपकी क्लास चल रही है, सारे बच्चे आ चुके हैं। जो लोग अभी क्लास में नहीं आए जल्दी से आ जाएं। तो दोस्तों मैंने जो है सबको बुला लिया है, बच्चों से कह दिया है कि आ जाओ। रेलवे ग्रुप डी ऑफिशियल पेपर BSA क्लास 11 सितंबर 2022। तो चलिए दोस्तों बताइए यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए डी के बाद EF, एफ के बाद GH, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो आपका यहां पर क्या दे रखा है? DEF। देखिए दोस्तों D है, 2 है, Z है, F है, 7 है, X है, F है, 7 है, X है, C है, 22 है, B है, E है, 67 है, T है। तो देखिए दोस्तों 2 3 6 और 1 7, 7 3 21 और 1 22, 22 3 66 और 1 67, 67 3 कितना होगा? 7 3 21, 201, 201 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 202 आ जाएगा। अब बीच में आप लोग का क्या आ रहा है आप लोग यहां पर देख सकते हो,
बीच में आप लोग का कितना आ रहा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग यहां पर देख सकते हैं, बीच में आप लोग का जो आ रहा है ये आ रहा है 202, ठीक है ना, 202 आ रहा है। तो 202 यहां है, यहां है, ये गलत, एक यहां पर भी दे रखा है। फिर डी ई एफ, एफ के बाद सी डी ई एफ, सी के बाद डी ई, फिर माइनस तीन करेंगे तो बी सी डी आ जाएगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, पहला वाला सही हो गया। जेड माइनस टू एक्स माइनस टू वी माइनस टू टी माइनस टू आर, तो सही जवाब क्या आ जाएगा? तो प्यारे मित्रों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां से हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां से हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों बी 202 आर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए, वर्तमान में किस राज्य में, वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? चलिए बताइए दोस्तों, वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? सबसे ज्यादा लोकसभा की जो सीटें हैं वो हैं आपके उत्तर प्रदेश में। सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। और आज का अंतिम सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या सवाल है आप लोग यहां पर देख सकते हो। तो क्वेश्चन ये है, यदि पांच मानों का प्रसरण 0.64 है तो उनका मानक विचलन क्या होगा? तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं। मानक विचलन बराबर क्या होता है? मानक विचलन बराबर होता है प्रसरण, यानी कि वेरिएंस। इस सूत्र का प्रयोग करके सभी लोग आज कमेंट में इसका जवाब देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को मिलकर आप लोग शेयर कीजिएगा, अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलेंगे आप लोगों से आपकी अगली क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस को। तब तक के लिए नमस्कार, जय BSA, जय BSA क्लास, और आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी मैं दोस्तों अगली क्लास में मिलूंगा, अगली क्लास में रीजनिंग की कराऊंगा, तैयार रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपके रीजनिंग की होगी। बाय बाय।